हेलो गाइस, 22251 लव टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आई हूँ एक और ट्रेडिंग के साथ, और आज हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की हिडन थॉट्स क्या है। ओके, क्या हाइड करते हैं वो आपसे। ओके, और गाइस ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है, जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की हिडन थॉट्स क्या है, क्या है उनकी हिडन थॉट्स। टू ऑफ पेंटेकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या हाइड करते हैं वो आपसे, क्या है उनकी हिडन थॉट्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हैंकमैन। चलिए मैं और एक डेक से भी देख लेती हूँ, और एक डेक से भी चेक कर लेते हैं हम लोग क्या है हिडन थॉट्स। ओके, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटेकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेम कार्ड यहां पर रिपीट हुए हैं। तो यहां पर कुछ लोगों के पार्टनर बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं, अब रोड जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है फॉरेन जाना इनकी एक एम हो, और हो सकता है इन्होंने कभी भी वो एक्सप्रेस नहीं किया है आपसे। ओके, ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आपके पार्टनर बाहर जाना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं, फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं। ट्रेवल की बात तो अलग है, लेकिन ये बाहर ही सेटल होना चाहते हैं। ओके, और इन्होंने इस बात को आपसे हो सकता है कभी भी एक्सप्रेस नहीं की है, कभी भी शेयर नहीं की है, और हो सकता है कुछ जॉब के लिए भी ये अप्लाई करे हो, बाहर जाने के लिए वीज़ा के लिए भी ये अप्लाई करे हो, या ये नॉलेज गेन कर रहे हैं कि कैसे ये जा सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी इनकी थिंकिंग है। और अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के लिए ये बाहर जाना चाहते हैं। ओके, ये इनकी एक हिडन थॉट्स है, इनके माइंड में ये सब कुछ चलता है। ट्रेवल को लेकर कुछ बात भी हो सकती है, मतलब वर्ल्ड टूर करना है, कहाँ कहाँ इन्हें जाना है, कुछ माइंड में इनके ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये डेफिनेटली ट्रेवल करना चाहते हैं, इनकी ये विश है। हो सकता है कभी भी आपको वो एक्सप्रेस नहीं किए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, ऐसा मुझे लग रहा है। एडवेंचर करना, ट्रेवल करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, और ये हो सकता है कि आपको एक्सप्रेस नहीं करते हो कभी भी, क्योंकि हो सकता है अभी आपके पार्टनर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है उतने हद तक। हो सकता है अभी अगर आपसे कहेंगे तो आप इनका मजाक उड़ा दो, तो इस वजह से नहीं कहते हैं। या आपके पार्टनर अभी, हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, हैंग्ड हो किसी सिचुएशन में, स्टक हो आपके पार्टनर, उस वजह से ये बाहर नहीं जा पाएंगे, तो ये सोचकर कभी भी ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लेकिन डेफिनेटली इनकी एक पैशन है ट्रेवल को लेकर, ट्रेवल करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। एडवेंचरस है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, और अगर कभी भी किसी के लिए, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है, ये फॉरेन में सेटल भी होना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ऑब्स्टकल है। हो सकता है कि आपके साथ बाद में कनेक्शन बनी, इससे पहले इनके साथ किसी की कनेक्शन है, ऑलरेडी आपके पार्टनर मैरिज में है, या किसी से मैरिज के लिए कमिटेड है आपके पार्टनर, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, और उसके बाद आपके साथ कनेक्शन बनी है, और आपके पार्टनर ने हमेशा शो किया है कि जो भी थर्ड पार्टी है इनके लिए वो प्रायोरिटी है। ओके, चाहे वो, मतलब वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस वजह से वो सबसे पहले उनको प्रायोरिटी देते होंगे, आपके आगे उन्होंने हमेशा उनकी वैल्यू की है। आपको पता है कि थर्ड पार्टी इनके कार्मिक है, लेकिन इन्हें नहीं पता है, तो ये एक उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक गिल्ट सा अपने लाइफ में रखते हैं। लेकिन अभी जाकर हो सकता है कि आपके पार्टनर को ट्रिगर मिल रहे हैं। ओके, इनकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी कार्मिक है तो उनसे मेजर लेवल की फाइटिंग आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है थर्ड पार्टी और इनमें सेपरेशन भी आ चुकी है, तो आपके पार्टनर आपसे वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने हमेशा हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए ये एक
मतलब आपके आगे हमेशा इन्होंने प्रायोरिटी दी है थर्ड पार्टी को, ओके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, चाहे किसी और वजह से, किसी की भी वजह से, इन्होंने थर्ड पार्टी को हमेशा रिस्पेक्ट दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी निभाई है। लव आपसे हो सकता है कि, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो इन्होंने हमेशा निभाई है। लेकिन आप इन्हें समझाते होंगे कि थर्ड पार्टी तुमको कभी ऐसा करेगी वैसा करेगी, या थर्ड पार्टी सही नहीं है, तुमको चीट करेगी। आप इन्हें समझाते होंगे कि आपको जैसा लगता होगा थर्ड पार्टी वैसी नहीं है, वो तो ऐसी है वैसी है, और अभी आपके पार्टनर को वो समझ में आ रही है। तो ये कैसे आपको एक्सप्रेस करेंगे कि आपकी आप सही हो ये गलत थे? तो इस वजह से, अपनी ईगो की वजह से हो सकता है ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इनकी अभी मेजर लेवल की फाइटिंग आर्गूमेंट्स हो रहे हैं कुछ लोगों के। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की यहाँ पर सेपरेशन भी हो चुकी है, ओके। हो सकता है कि आपको बाद में बताएं, लेकिन अभी ये आपसे हाइड कर रहे हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर ये अपनी फैमिली की बात बहुत ज़्यादा सुनती थी, फैमिली में कोई ऐसी थी जिनके साथ इनकी इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग थी, और उनकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में दरार आए, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज में हो या सिंगल हो, फैमिली अगर यहाँ पर मेन इशू थी, तो यहाँ पर फैमिली लाइफ में इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है। फैमिली के साथ इनकी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रही है, हो सकता है फैमिली के साथ बिल्कुल भी इनकी माइंडसेट नहीं बन रही है, और इन्हें धीरे धीरे समझ में आ रही है, फैमिली के साथ इनकी कुछ डिस्टेंस आई है, ओके। शायद से बाद में सही हो जाएगी, लेकिन अभी इनके फैमिली में किसी के साथ इनके मेजर लेवल के फाइटिंग आर्गूमेंट्स हुए हैं, जिनके साथ इनकी बहुत इमोशनल बॉन्ड थी, और जो इन्हें आपके खिलाफ भड़काते थे, ओके। और ये बात आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, और ये इसलिए शायद हाइड कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पार्टनर हमेशा उनके लिए सपोर्ट करते थे, उनके सपोर्ट में कहते थे, आपके लिए कभी भी इन्होंने स्टैंड नहीं लिया है, और आप इन्हें हमेशा कहते थे कि ये लोग ऐसे हैं, आपको भड़काते हैं, मेरे खिलाफ ये करते हैं वो करते हैं, और आप अभी आकर इन्हें ताने दोगे, तो इसी वजह से आपके पार्टनर हाइड कर रहे हैं कि इनके फैमिली में जो भी लोग आपके खिलाफ इन्हें भड़काते थे उनके साथ इनकी फाइटिंग हुई है, ओके। ये सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर अगर आपसे नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है, तो चुप चुप कर आप पर नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, इन्हें मन करता है कि आपके लाइफ में रिटर्न आ जाए, आपको कॉन्टेक्ट करे, आपको आए आपके लाइफ में और अपना लव शो करे, लेकिन ये खुद को रेजिस्ट करते हैं बहुत स्ट्रेंथ बनाकर, ओके। और आपको स्पाई भी करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक चीज़ पर इनकी नज़र है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किन लोगों के साथ मिल रहे हो, स्टेटस क्या डाल रहे हो सोशल नेटवर्किंग साइट पर, किसके लाइक्स आ रहे हैं आपके पिक्चर्स पर, हर एक चीज़ पर इनकी नज़र है, ओके। आपकी पल पल की खबर ये रखते हैं, लेकिन ये हाइड करते हैं, ओके। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं आपकी तरफ आने से, आपको देखने से, आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनकी, लेकिन वो आपसे कभी भी नहीं कहेंगे, ओके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर दो सिचुएशन में जगल करे हैं, कन्फ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा, आपको लेकर इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उनको लेकर, थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकती है, इनके वर्क हो सकती है कि बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो, या इन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो फैमिलीज़ की, इनके कुछ ड्रीम्स हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी आपके पार्टनर मैरिज में है, या फिर किसी और से कमिटेड है, या ऑलरेडी आपके पार्टनर की फैमिली ने किसी ऑप्शन को चूज़ करके रखा है, फैमिली इशू हो सकती है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकती है। तो ये दो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जगल करते हैं, और इनका मन तो करता है आपके लाइफ में, आपको हमेशा अपनी लाइफ में रखना, लेकिन इस दो सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर हमेशा आपसे डिस्टेंस बनाते हैं, ओके। तो ये सिचुएशन भी ये हो सकती है कि आपके पार्टनर ने कभी भी आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है, आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं, आपको कितना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कितना ज़्यादा फीलिंग्स है आपको लेकर, और स्ट्रेंथ बनाकर खुद को रेसिस्ट करते हैं आपके पार्टनर, ओके। तो ये सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि आप किसी के साथ मैरिज में हो, आप किसी के साथ कार्मिक सिचुएशन में अटके पड़े हो, और आपके पार्टनर चाहते हैं इस कनेक्शन में वर्क करना, आपके पार्टनर चाहते हैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ना, आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ हैप्पी लाइफ स्पेंड करना, लेकिन आप स्टक हो। इस वजह से ये खुद भी बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं कि मुझे भी आपके लिए टाइम नहीं है, मुझे भी आपकी परवाह नहीं है, मुझे भी कोई यहाँ पर आपके लिए फीलिंग्स मेरे दिल में कुछ नहीं है, आपको ऐसा शो करते हैं। आप अगर बिजी हो, मतलब हो सकता है आप किसी के साथ मैरिज में हो, ऑलरेडी कमिटेड हो, आप नहीं निकल पा रहे हो, तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी इस वजह से अपने फीलिंग्स को रेसिस्ट करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन इनके दिल की बात यही है, ये चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओ इनके लाइफ में, और आप फ्री हो जाओ, आपकी लाइफ में से जो भी ऑब्स्टेकल है आप दोनों के बीच में से, उनसे आप रिलीज हो जाओ। आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उस रिलेशनशिप में आप दोनों ही वर्क करो, आपके पार्टनर चाहते हैं इस कनेक्शन में सक्सेस,
क्योंकि आप कहीं पर स्टक हो, आपके पार्टनर इस वजह से खुद ईगो शो करते हैं, ओके, मतलब इनको झुकना नहीं है। आप अगर इन्हें दिखा रहे हो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है, आपके पार्टनर इमैच्योर थोड़ी हद तक है, ये खुद इमैच्योर होकर बिहेव कर रहे हैं, आप अगर बिजी हो, आप अगर उनको नहीं छोड़कर आ पा रहे हो, तो मुझे भी कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन असल में इनके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस है, आपको लेकर इमोशनल बहुत ज़्यादा है, आपको लेकर फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, ऐसा भी कुछ चीज़ आपके पार्टनर आपसे हाइड करते हैं, ओके। तो ओवरऑल ये एनर्जी है, इतना सारे सिचुएशंस है यहाँ पर, आप खुद के हिसाब से देख लेना, किसी और के सिचुएशंस को खुद के साथ आप रेजोनेट करने की जोर जबरदस्ती कोशिश मत करना। पता चला कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है ही नहीं, आपके पार्टनर तो आपके लिए डेडिकेटेड है, आपके लिए मर मिटते हैं, और आप ऐसा रीडिंग देखकर समझ रहे हो। और थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपके पार्टनर की वर्क प्लेस भी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ सकती है, कोई भी सिचुएशन जो आपसे डिस्टेंस यहाँ पर कर देती है आपके पार्टनर को, वही यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर खुद ही एडिक्टिव हो सकते हैं, खुद ही आपके पार्टनर एरोगेंट हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है, ओके। तो हमेशा आपके पार्टनर किसी और लड़का या फिर लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, यही सिचुएशन नहीं है। और यहाँ पर मैं साइंस बता देती हूँ, साइंस यहाँ पर है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और है एरीज लियो सैज, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ओके। लियो स्ट्रांगली निकल कर आए हैं यहाँ पर, लियो स्ट्रांग है, ओके, लियो ही स्ट्रांगली निकल कर आए हैं, बाकी के ऑल साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं। देख लेते हैं आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर आपका या फिर आपके पार्टनर के क्या हो सकता है, या फिर नंबर्स क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लेते हैं। यहाँ पर 8 हो सकती है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, एन हो सकती है आपके पार्टनर, या फिर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एच हो सकती है, बी हो सकती है, आर, जी, एक्स, कुछ लोगों के लिए एक्स पार्टनर हो सकती है, डबल एक्स यहाँ पर है, एल हो सकती है, वाई हो सकती है, ई है यहाँ पर, सी, डी है, बी यहाँ पर 2 times निकल कर आए हैं, एन, एफ, वाई, एम, के, आई, एन, एन भी यहाँ पर 3 times निकल कर आए हैं, 9 है यहाँ पर, जे है, जी भी यहाँ पर 2 times निकल कर आए हैं, और एक बार मैंने जी देखा था शायद, ओके, नंबर 7 है, 6 है, 9 है, एल है यहाँ पर, ओके। तो ये सारे आपके या फिर आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकती है, या इनमें इन नंबर्स में से कोई भी आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स हो सकती है, ओके। तो यही है गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली है इस रीडिंग से। तो आगे चलकर अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।